आप सभी को नमस्कार। मैं सागर सिंह। हमने एक पर्यावरण संबंधी संरक्षण के लिए एक सामाजिक संगठन का निर्माण किया है जिसका नाम विश्वगर्भा है। और हम लोग अगले साल से एक नए साल में एक नए शुरुआत करने जा रहे हैं जिससे इस पर्यावरण को थोड़ा बहुत मजबूती मिलेगी। हमारी कोशिश है कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाले और समाज को बदले तो नहीं, ये सपना हम लोग नहीं देखते, लेकिन फिर भी कुछ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, ये हमारी आशा है, ये हमारी चाहत है। और इसके लिए हम लोगों ने कैच द रेन नाम से एक मूवमेंट का हम लोग चालू करेंगे मूवमेंट को, जिसमें बरसात के पानी की कैच द रेन मीनिंग है कि रेन को पकड़िए, उसको कैच करिए या फिर उसके पानी को इकट्ठा करिए ताकि हमारे जो जल स्रोत हैं उनकी यथास्थिति स्थिति हमेशा बनी रहे। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इस वर्ष कैच द रेन मूवमेंट नाम से हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत करने का मन बनाया है। और हम लोग चाहेंगे कि इसमें सर्वप्रथम हम लोग अपने गांव के सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, या फिर आप लोगों से अपील भी है कि अगर आप लोग हमारे आसपास के लोग हैं या फिर गांव के लोग हैं तो थोड़ा सा मदद करिए और हमारे प्रपोजल को, हम लोग के प्रयास को थोड़ा सा सपोर्ट करिए सहमति के तौर पर भी, और जैसे आपकी इच्छा हो या आपकी समर्थ हो उस अनुसार आप अपना मदद सहयोग कर सकते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे गांव के तालाब हैं या फिर कुआं हैं या फिर जितने भी जल संरचनाएं हैं उन सभी को बचाया जाए। बचाने के लिए होगा कि सबसे पहले उसकी साफ सफाई की जाए, उसका जितना वेस्ट मटेरियल उसमें इकट्ठा हुआ है, जमा हो गया है, उसको निकाला जाए पहले सर्वप्रथम। तो जब वो निकल जाएगा तो उसमें जो भी वाटर है वो कंटेमिनेटेड नहीं होगा, प्रदूषित नहीं होगा। उसके बाद हम चाहेंगे तो उस पानी को स्टोर करके अंडरग्राउंड करने का कोई ना कोई तरीका तो निकल ही आएगा उसमें, और हमारे जो जितने भी जल स्रोत होते हैं वो इसी मकसद से बनाए जाते हैं। प्राचीन समय में या फिर पुराने समय में जब तकनीक नहीं थी, बोरिंग नहीं था या फिर बोरिंग ट्यूबवेल होते हैं, मशीन होती है, हैंडपम्प होता है, ये सब तकनीक नहीं थी, तो लोग इस अपने जल आपूर्ति के लिए पूरी तरह से या तो नदियों पर निर्भर थे या फिर नदियों से दूर बसे लोग कुओं पर निर्भर थे। तो जो कुएं हैं या फिर नदियां हैं या तालाब हैं ये हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हुआ करते थे, और यहीं से हम अपनी जल पूर्ति का सोर्स बनाए पूर्ति किया करते थे। तो लेकिन आज के समय में ये हुआ है कि हमारे पास ऐसी तकनीकें हैं जिससे हमको कुएं, तालाब या फिर नदी की खास जरूरत नहीं पड़ती है अपने दैनिक जलापूर्ति के लिए, इसीलिए हमने इसको नज़रअंदाज कर दिया है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व घट नहीं जाता। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इसको बना रहे ताकि जितना भी बरसात होता है, हम देखते हैं कि कुछ ही घंटा बरसात में हम लोग पानी पानी हो जाते हैं, पूरा क्षेत्र शहरों की स्थिति तो गाँव से भी बुरी है, होगी ही क्योंकि वहाँ पर खुली जमीन नहीं है कि पानी सूख सके। तो कम से कम हम लोग गाँव में हैं तो इसका तो एडवांटेज उठा ही सकते हैं कि हमारे पास जो तालाब बचे हुए हैं, जो कुएं बचे हुए हैं, कम से कम उनका संवर्धन किया जाए, उनको मेंटेन किया जाए कम से कम, ताकि जितना भी आसपास के वाटर होगा उसको कनेक्शन दे करके हम उस कुएं में लगा सकते हैं। और कुएं में जाने के बाद एक बार पानी उसमें बाहर तो निकल नहीं सकता, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो अंडरग्राउंड ही होगा। इसी मकसद से हम लोग सर्वप्रथम इस कुओं पे, जितने हमारे गांव में बहुत सारे कुएं हैं जो कुछ तो उसमें से पाट दिए गए हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल से, मिट्टी से, घरेलू कचरे से उसको भर दिया गया है, और कुछ अभी भी बचे हुए हैं लेकिन सूखी अवस्था में, उन्हें पानी बिल्कुल भी नहीं है। यह दिखाता है कि हमारे अगर 25 फुट का कुआं है और 25 फुट कुएं में बिल्कुल भी पानी ना हो, एक बूंद भी पानी ना हो, तो यह दिखाता है कि हमारे जिस जमीन पे हम चल रहे हैं उसके नीचे 25 फुट तक पानी की बूंद नहीं है, उसके नीचे होगी, क्योंकि जल नीचे ऊपर से नीचे की ओर बहता है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं आ सकता।
इसलिए कम से कम 25 फुट गहरे मिट्टी में हमारी पानी की मात्रा खत्म हो चुकी है जो इसमें सिम करके आ करके झरनों के रूप में उसमें इकट्ठा होती है। तो हमारे नदी है, तालाब है या फिर कुआँ है, उसमें जल स्रोत बना रहता है, लेकिन उसकी सामग्री खत्म हो रही है, जल मात्रा खत्म हो रहा है। इसका मतलब यह है कि उतनी गहराई तक हम लोगों ने अपनी धरती को खोखला बना दिया है पानी के बिना। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आसपास के कनेक्शन को, बरसात के पानी का जो भी कनेक्शन है आसपास बहता है, उसको नालियों के माध्यम से, पाइपों के माध्यम से उस कुएं में गिरा देंगे। सवाल ये उठता है कि कुआं तो है तो क्या उसमें गंदा पानी नहीं जाएगा? घरेलू गंदा पानी ना जाए, लेकिन बरसात का पानी अगर बह करके अपने साथ मिट्टी लाता है तो उतना उसको गंदा पानी नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रदूषित नहीं है, बस वो मिट्टी में मिला हुआ है। तो अब वैसे भी आजकल कोई कुएं से पानी पीता तो है नहीं, चाहे वो उसमें साफ पानी जाए या फिर थोड़ा बहुत मिट्टी के साथ घुला हुआ जाए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो लेकिन उसमें इससे फायदा यह होगा कि जो पानी उसमें गया है वो कुछ दिनों में, क्योंकि धरती सूखी है तो बहुत ही जल्दी वो पानी अंडरग्राउंड होगा, धरती उसको सोख लेगी। अगर जल्दी सोखती भी नहीं है तो एक बार चला जाए, क्योंकि जगह तो बना ही हुआ है पानी के लिए। तो उसमें हम पानी अगर पहुंचा दें किसी माध्यम से तो किसी न किसी दिन वो पानी अंडरग्राउंड होगा और हमारे भूमिगत जल स्रोतों या फिर जिसको एक्वाफर्स बोलते हैं उसमें पानी इकट्ठा होगा और हमारे आने वाले समय में उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारत के लगभग 20 से भी ज़्यादा बड़े बड़े शहर जिसके जिनका भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर जो है ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। तो अगर ऐसे उपाय किए जाएं, कम से कम हम लोग तो करें अपने यहाँ, तो इससे हमारे प्राकृतिक जल स्रोत का जो निर्बाध सप्लाई है वो बना रहेगा, वो कंटिन्यू बना रहेगा। नहीं तो आने वाले समय में अभी भी कुछ बहुत सारी मशीनें जो छोटी है, जिसको पंजाब मशीन कुछ बोला जाता है कहीं कहीं, वो पानी ऑलरेडी छोड़ चुकी है हमारे यहाँ समरसेबुल। कुछ कुछ जैसे कि ये सरकारी मशीन है जिसको हैंडमार्क बोलते हैं, वो भी कहीं कहीं जगहों पर पानी छोड़ चुका है। मतलब ये कि जो जो तकनीकें आती हैं वो हमारे पानी को उपलब्धता को सुनिश्चित तो करती हैं, लेकिन वो और गहराई में जा करके इस धरती को सुखाने का काम भी करती हैं। धीरे धीरे कुछ सालों से, 2 या 3 सालों या 4 सालों से समरसेबुल ने अपना यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, तो लगभग ऑलमोस्ट 50% से एबव हमारे गांव में, कहीं और गांव में सभी लोगों के पास समरसेबुल तो हो ही गया है। और उससे पानी की जो मात्रा निकाली जा रही है वो जरूरत से कहीं ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत नहीं करना है, बस बटन दबाइए और पानी निकलना चालू हो गया। तो इसको थोड़ा सा रोकने की जरूरत है, रुक तो पाएगा नहीं। तो जरूरत इस बात की है कि सप्लाई जब आप उसका खपत ज़्यादा कर रहे हैं तो कुछ कोशिश करिए कि वो अंडरग्राउंड होता भी रहे, ताकि उसकी सप्लाई बंद ना हो, मेंटेन होता रहे। जितना हम लोग उसको आउटपुट ले रहे हैं कुछ कुछ इनपुट भी जाए, और ये इनपुट कुछ तो हम लोग अपने घर के घरेलू वाटर को भी अगर मिट्टी में छोड़ दें तो वो सीम करके कुछ उसका लॉस कम कर सकते हैं जो वाष्पीकरण के द्वारा होता है। लेकिन बरसात के समय हमें पानी की भारी मात्रा अचानक कुछ समय में बेहद ही कम समय में मिलती है। अगर हम चाहें तो इन सब पानियों को अगर अंडरग्राउंड करने का उपाय करें तो हमारे जो भूमिगत जल स्रोत है उसमें विकास होगा, उसमें अधिक जल राशि इकट्ठा होगी जो हमारे आने वाले समय में हमको मदद करेगी। तो सर्वप्रथम हमारा यही कोशिश होगा कि कुछ लोगों को इकट्ठा करके हम लोग इसमें काम करवाएं, काम किया जाए खुद भी मिल करके, और कुओं पर नंबर लगेगा हम लोग का। तो कुएँ पर काम करके हम लोग इसके साफ सफाई सर्वप्रथम तो साफ उसकी किया जाएगा, ताकि जो भी पानी उसमें जाए वो कम से कम गंदा हो, और उसका वेस्ट मटेरियल को ट्रीटमेंट करने का भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो एक मैनुअली तौर पे, एक साइंटिफिक तौर पे उसका डिकम्पोजिशन हो सके, वो और गंदगी या फिर बीमारियां या फिर ऐसे ही संक्रमण ना फैला पाए। और इसके बाद अगर हम लोग का ये अभियान या फिर ये जो कोशिश है अगर सफल होती है, क्योंकि हमारा जो पौधारोपण का कार्यक्रम था तो बुरी तरह से असफल हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे पौधे हम लोगों को लगाए, कई हज़ार रुपये खर्च भी हुआ उसमें, वो अपना ही पैसा था, कोचिंग पढ़ा के हम लोगों ने इकट्ठा किया था, लेकिन किसी वजह से वो आसपास के माहौल के वजह से बच नहीं पाया, लोग अपने पशुओं के द्वारा उसको ख़त्म करवा दिए या फिर ख़त्म हो गया। लेकिन चलिए देखते हैं, इसमें कोशिश की जाएगी कि यह थोड़ा सा ये काम अपना असर छोड़े इस गाँव पर, इस समाज पर,
और इस आसपास के माहौल पे, ताकि लोग हमारे पर्यावरणीय मुद्दों को थोड़ा सा गंभीरता से ले सकें। और अगर ये अभियान अपने अच्छे रूप से अगर चलता है, अगर हम लोगों को कहीं से अगर मदद मिलती है, अपने हम लोग इतना सक्षम हो जाते हैं कि इस काम को और आगे बढ़ा सके, तो हम लोग इसका तालाबों पे, जो हमारे गांव पे, हमको लगता है कि हमारा गांव बहुत ही ब्लेस्ड है कि हमारे गांव में तालाबों की संख्या कोई कमी नहीं है, नियर अबाउट 10 से भी अधिक है, या फिर आप जोड़ना बैठेंगे तो हो सकता है कि 13 या फिर 19 के आसपास है, हमको कैलकुलेट नहीं पता, लेकिन फिर भी 10 से एबव है। और वो सभी बड़े बड़े तालाब हैं, कोई छोटे मोटे पोखरी टाइप नहीं, बल्कि अच्छे खासे बहुत ही हाई कैपेसिटी के तालाब हैं, और वो 10 से भी अधिक हैं। तो इन सब का अगर इन सब की साफ सफाई, इन सब का मेंटेनेंस कर दिया जाए, इनका जो कनेक्शन है वाटर का, जितने भी बरसात के पानी बाकी इधर उधर बह जाता है, उसको हम लोग इकट्ठा करके इसी में उसकी दिशा को मोड़ दें, तो हम लोग जल संरक्षण के देश के दिशा में एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बड़ा काम नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव वे में, एक सही दिशा में अपनी ऊर्जा को खपत करने का, अपनी ऊर्जा लगाने का एक मकसद मिल सकता है हम सभी को। ये हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाली पीढ़ी जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, ये हमारे बेहतर भविष्य के लिए ज़रूरी है, और हम कोशिश करेंगे कि यह काम और अपने पूरे होशो आवास में किया जाए, सभी लोगों को शामिल किया जाए, और अगर ये काम होता है तो अच्छा रहेगा। आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग की आवश्यकता है। नमस्ते।